नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। हालांकि पार्टी के नेता अब तक इस बात को खारिज करते आए हैं। अब ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाहों पर बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाहों पर बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कितनी बार सफाई दे सकता है। हर पार्टी की राष्ट्र स्तर पर बैठक होती है, कार्यकारिणी बैठक होती है, हमारी भी हुई थी। इस प्रकार की बेकार की बातों को लोगों को तूल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है, तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को, उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है? अरे हर पार्टी का देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरी न्यूज।